हाय व्यूअर्स, अकाउंटिंग प्रो पे एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद। क्विक बुक्स की ट्रेनिंग का सिलसिला अकाउंटिंग प्रो पे जारी है और इस सिलसिले में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कैश सेल्स थ्रू इंटर सेल्स रसीद मॉड्यूल। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त कैश बेसिस अकाउंटिंग की ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में जो टॉपिक इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं वो इस सिलसिले का आखिरी टॉपिक होगा। अभी तक जो कैश बेसिस अकाउंटिंग के अंदर हम पढ़ चुके हैं वो हमने स्टार्ट लिया था कि बेसिक कैश की जो कैपिटल इंट्री हमने की थी कि अगर ओनर्स अपना कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट करते हैं बैंक के अंदर या कैश के अंदर, तो पहले सबसे पहले कैश एंड बैंक बैलेंस हमने इंक्रीज किया था। उसके बाद जो हमने क्या किया था कि उसके बाद हमने उसी कैश एंड बैंक बैलेंस के थ्रू हमने कैश एक्सपेंसेस किए थे, हमने इन्वेंट्री परचेज की थी अगर आपको याद हो, और सबसे आखिर में फिर हमने उसी कैश और बैंक बैलेंस के थ्रू हमने फिक्स्ड एसेट्स परचेज किए थे। अब हमारे पास क्योंकि कैश एंड बैंक बैलेंस से जो है वो एक्सपेंडिचर्स होना शुरू हो गए और हमारे पास इन्वेंट्री भी आ चुकी है जिसको हम सेल करके वापस इनकम अर्न कर सकते हैं, तो हमारा जो लास्ट इस वक्त कैश बेसिस अकाउंटिंग का जो टॉपिक होगा वो होगा कैश सेल। जो है इन्वेंट्री को हम कैश सेल करेंगे या जो हमारी सर्विसेज हम उसको सेल करेंगे और जो कैश हमें रिसीव होगी उसको हम वापस डिपॉजिट करवा देंगे अपने कैश एंड बैंक बैलेंस के अंदर। यानी कि जो हमारा अकाउंटिंग का जो कंप्लीट साइकिल होगा वो कंप्लीट हो जाएगा कि बैंक में हमारे पास पैसे थे, उससे हमने एक्सपेंडिचर किए, ऑफिस के ऑपरेशन हमने रन किया और उसके बाद हमने वापस उससे इनकम अर्न किया और इनकम अर्न करके हमने वापस जो पैसा है वो कैश और बैंक बैलेंस में डिपॉजिट करवा दिया। क्विक बुक्स की स्क्रीन आपके सामने है और अभी तक जो हमने एंट्रीज की हैं उसको हम एक नज़र देख लेते हैं कि हमने सबसे पहले कैपिटल इंजेक्ट किया था बैंक के अंदर, कैश एंड बैंक बैलेंस के अंदर हम लेकर आए थे, वो हमने किस तरह किया था। हमने जर्नल एंट्री के थ्रू किया था, कंपनी में गए थे हम और कंपनी में हमने जाके मेक जर्नल एंट्री में गए थे और जर्नल एंट्री में अगर हम प्रीवियस एंट्री चेक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया था मिस्टर ए ने और ये देखिए दूसरी एंट्री थी मिस्टर बी की। सेकंड, जब हमारे पास कैश एंड बैंक बैलेंस के अंदर पैसे आ गए थे तो उसके बाद हमने एक्सपेंसेस स्टार्ट करना शुरू किए थे बैंकिंग मेन्यू में जाके राइट चेक के थ्रू। तो हम क्या करते हैं कि राइट चेक के थ्रू जाके हम जरा प्रीवियस ट्रांजेक्शन जाके देख लेते हैं, प्रीवियस बैक, और ये देखें पेटी कैश से हमने क्या किया था कि फिक्स्ड एसेट्स परचेज किए थे हमने। अगर आपको याद हो तो फिक्स्ड एसेट परचेज करने का पूरा तरीका कार मैंने बताया था कि फिक्स्ड एसेट को परचेज करने का तरीका कार क्या है। इसी तरह अगर मैं देखता हूं कि मैंने बैंक से क्या ट्रांजेक्शन्स की थी, तो मेरे पास HBL में बैलेंस अवेलेबल था और उसको मैं अगर बैक करके चेक करता हूं तो ये देखें मैंने वेस्टर्न डिजिटल की 50 हार्ड ड्राइव्स परचेज की थी जो कि मेरी इन्वेंट्री है, स्टॉक है। और इससे पीछे अगर मैं जाऊं तो मैंने देखिए मार्केटिंग एक्सपेंसेस किए थे 50,000 रुपीज के। तो मैंने एक्सपेंसेस भी कर लिए थे, मैंने इन्वेंट्री भी परचेज कर ली थी और इसके साथ साथ मैंने जो है वो फिक्स्ड एसेट्स भी परचेज कर लिए थे। अब चूंकि मेरे पास स्टॉक में इन्वेंट्री मौजूद है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पास इन्वेंट्री मौजूद है, तो मैं लिस्ट मेन्यू में जाऊंगा और लिस्ट मेन्यू में जाके मैं अपने आइटम लिस्ट से जाके चेक करूंगा। तो आइटम लिस्ट के अंदर आपको जैसा कि मालूम होगा कि हमारी कंप्लीट आइटम लिस्ट, इन्वेंट्री लिस्ट, फिक्स्ड एसेट आइटम लिस्ट सब हमें एक जगह पर नजर आ रही होती है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये आपका आइटम का नेम है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, ये उसकी टाइप है और ये आगे आपका उसके डिफरेंट अकाउंट्स हैं, ये उसकी कॉस्ट अकाउंट है, ये उसका सेल अकाउंट है, कॉस्ट उसकी प्राइस है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने ये ढूंढना है कि हमारे पास इन्वेंट्री आइटम कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी सर्विसेज है और ये हमारी इन्वेंट्री है। तो इन्वेंट्री के अंदर हमारे पास 500 GB की वेस्टर्न डिजिटल की जो ड्राइव्स हैं वो कितनी पड़ी हुई है, ये देखिए हमारे पास अगर हम क्वांटिटी चेक करें तो टोटल जो हमारे पास क्वांटिटी है वो 50 अवेलेबल है इस वक्त। यानी कि हम इसको सेल करके वापस इनकम अर्न कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि हम अपनी इनकम अर्न करने का तरीका कार क्या है कि सबसे पहले जारी सी बात है एक कस्टमर मेरे पास आएगा और उसको मैंने हार्ड डिस्क सेल करनी है, तो हार्ड डिस्क सेल करने के बदले में वो मुझे कुछ कैश देगा या मुझे चेक देगा और उसको मैं अपने पास रिकॉर्ड करूंगा। तो उसके बदले में मैं उसको एक रसीद दूंगा जिसको सेल्स रसीट हम कहते हैं। सेल्स रसीट जारी सी बात है कस्टमर के रिकॉर्ड के लिए होती है। तो हम क्या करेंगे, सेल्स रसीट रिकॉर्ड करने का तरीका कार क्या है कि सबसे पहले आप कस्टमर्स मेन्यू में जाएंगे और कस्टमर्स मेन्यू में जाके आप टॉप से पढ़ना शुरू करेंगे कस्टमर सेंटर, एस्टीमेट्स, सेल्स ऑर्डर्स, सेल्स ऑर्डर फुलफिलमेंट वर्कशीट, क्रिएट इनवॉइसेस, क्रिएट बैच इनवॉइसेस, इंटर सेल्स रसीट, इंटर सेल्स रसीट। यानी कि आप क्योंकि कैश सेल कर रहे हैं तो आपने फौरन उसी वक्त ही आपने कैश रिसीव की और आज उसको कस्टमर को अपने सेल्स की जो रसीट थी वो आपने इसको इश्यू कर दी। याद रखिए कि अभी हम अक्रूअल बेस अकाउंटिंग नहीं कर रहे, हम कैश बेसिस अकाउंटिंग कर रहे हैं। अक्रूअल बेसिस अगर हम अकाउंटिंग कर रहे होते तो फिर हम जाके ये सेल्स रसीट ना करते बल्कि हम कस्टमर को इनवॉइस इशू करते। अगर इनवॉइस जब हम इशू करते हैं तो वो हमें उसके बदले में कैश नहीं रिसीव होती बल्कि उसके बदले में हम रिसीवेबल क्रिएट कर देते हैं और बाद में जब कस्टमर हमें पे करता है तो हम अपने रिसीवेबल को नॉक ऑफ कर देते हैं।
तो क्योंकि हम इंटर सेल्स रिसीट में आ रहे हैं, तो इंटर सेल्स रिसीट में हमारे पास ये देखिए सामने फॉर्म ओपन हो गया इंटर सेल्स रिसीट का। तो सबसे पहले फॉर्म को समझ लेते हैं कि फॉर्म क्या है। टॉप पे डिफरेंट मेन्यूज, मेन मेन्यू है प्रीवियस ट्रांजेक्शन चेक करने के लिए, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन चेक करने के लिए या किसी सेल रिसीट को फाइंड करने के लिए, न्यू ट्रांजेक्शन करने के लिए, ट्रांजेक्शन को सेव करने के लिए, ये देखिए सेल्स रिसीट को सेव कर लिया या इसको सेव एज पीडीएफ कर लिया, किसी को आपने ईमेल करना है, ट्रांजेक्शन को डिलीट करना, वॉइड करना, यानी कि डिलीट करना सिरे से खत्म हो जाएगी। वाइट का मतलब ये कि अभी ये पेंडिंग हो गई है, इसमें कोई इश्यू नजर आ गया तो वाइट कर लेना। इसकी कॉपी क्रिएट करना कि ऑलरेडी अगर आपके पास रिसीट बनी हुई है उसी की एक और कॉपी क्रिएट करनी है, सेम यानी कि चीज कस्टमर दूसरे कस्टमर को सेल हो रही है तो उसकी कॉपी। मेमोराइज ट्रांजेक्शन, इसको बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे। मार्क एस पेंडिंग, पेंडिंग का मतलब यह है कि मैंने एक सेल रिसीट मैंने बनाई है लेकिन उसको अभी मैंने कस्टमर को दी नहीं है, किसी वजह से वो रुक गई है तो पेंडिंग हो गई है। प्रिंट, प्रिंट करना नाम से जैसे कि जाहिर है उसको डायरेक्ट आप उसका प्रीव्यू ले सकते हैं। सेल रिसीट प्रिंट करना, बैच प्रिंटिंग करना, लेबल्स प्रिंट करना, एनवेलप प्रिंट करना या फिर उसको सेव एज पीडीएफ, वन बाय वन हम इसको बाद में चेक करेंगे। इसी इनवॉइस को सेल्स रिसीट को जो है वो आपने ईमेल करना या आपने मल्टीपल इनवॉइसेस ईमेल करनी है तो बैच ईमेल करना। प्रिंट लेटर, प्रिंट लेटर का मतलब ये है कि आपने इसको जो है अगर आपने बल्क इनवॉइस प्रिंट करनी है तो प्रिंट लेटर पे क्लिक कर दे तो ये आपका प्रिंट लेटर में यानी कि एक लॉग बनता जाएगा जहां से जाके आप बाद में प्रिंट कर सकते हैं। ईमेल लेटर, ईमेल लेटर का भी मतलब यही है कि बाद में अगर आपने ईमेल करनी है तो ईमेल कर सकते हैं। अटैच, अगर आप सेल्स रसीट के साथ कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हैं, कोई कस्टमर की आइडेंटिटी है, एनटीएन है, कुछ भी पिक्चर है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपको लगता है कि इस ट्रांजेक्शन के साथ अटैच होना जरूरी है तो आप इसको अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और अगर आप एडिशनल जॉब कॉस्टिंग से रिलेटेड आइटम ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग, क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग अगर आपने क्रेडिट कार्ड मशीन साथ अटैच की हुई है और आपने क्विक बुक से उसका सॉफ्टवेयर परचेज किया हुआ है, अलग से क्विक बुक्स पेमेंट्स के नाम से वो आता है, पाकिस्तान में भी एप्लीकेबल नहीं है ये, यूएस के अंदर जो है वो एप्लीकेबल है, तो इसको फिर आप यहां से यूज कर सकते हैं। नीचे अगर आप आते हैं तो सबसे पहले ये देखिए कस्टमर जॉब है, यानी कि यहां पे हमने कस्टमर को मेंशन करना है कि किस कस्टमर को हम जो है सर्विसेज या इनवॉइस हम सेल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ड्रॉपडाउन में देखेंगे तो ड्रॉपडाउन में हमारे पास वो तमाम कस्टमर्स आ जाएंगे जिनको हमने ऑलरेडी एक जो है वो अपने सिस्टम के अंदर ऐड किया हुआ है। अगर आपको रिपीट कस्टमर है तो आप यहां से उठा लेंगे, और अगर आपका रिपीट कस्टमर नहीं है, कोई नया कस्टमर है जिसको आप ये सेल्स रिसीट इशू करना चाहते हैं, तो फिर यहां पे आप जाके क्या करेंगे कि ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू करेंगे तो ये देखिए न्यू कस्टमर की जो है वो विंडो ओपन हो जाएगी। न्यू कस्टमर आपने यहां पे उसकी कंप्लीट डिटेल कस्टमर की ऐड करनी है। अब ये देखें कि यहां पे एक टेक्निकल पॉइंट है, वो ये है कि आप एक शॉप के अंदर बैठे हुए और आपके पास विजिटिंग कस्टमर्स हैं, वॉकिंग कस्टमर जिनको आप कहते हैं, तो वॉकिंग कस्टमर का डाटा आप अपने पास नहीं रखते। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करते हैं, उनका मोबाइल फोन आप अपने पास रख लेंगे, सेल नंबर रख लेंगे, उनका नाम पूछ लेंगे, इससे ज्यादा कोई कस्टमर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देता। कुछ लोग जो है वो कस्टमर्स होते हैं वो आपको अपना सेल नंबर देने से भी घबराते हैं, वो नहीं देते। तो आप क्या करेंगे कि ऐसे कस्टमर्स जो वॉकिंग कस्टमर है उनके लिए आप एक ही नाम ऐड कर लेंगे और उनको कह देंगे कैश कस्टमर। ठीक है जी, कैश कस्टमर अब मेरे पास यहाँ सामने आ गया है कैश कस्टमर। तो अब कस्टमर तो मुझे पता चल गया, अब यहाँ पे आ जाती है क्लास। क्लास क्या है, मैंने आपको बताया था क्लास के बारे में, काफी डिटेल में बताया था कि ये हमारी लोकेशंस हो सकती हैं, डिपार्टमेंट हो सकते हैं। तो ये वाली सेल जो है वो अगर हम मल्टीपल आउटलेट्स हैं हमारे, एक मल्टीपल डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर जो है वो हमारा सॉफ्टवेयर चल रहा है, आउटलेट्स हैं हमारे, और इस स्पेसिफिक आउटलेट की हम सेल रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो फिर क्लास का मतलब ये हो जाएगा कि हम इस लोकेशन को यहाँ पे डाल देंगे। लेट्स से कि हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट हमारा नॉर्थ रीजन है, तो नॉर्थ रीजन की सेल्स हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद हमारे पास आगे देखिए ये आ रहा है टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या है जी, कि आपने सेल्स का कौन सा टेम्पलेट, टेम्पलेट क्या होता है जी, कि क्विक बुक के अंदर ये पावर है कि आप अपना सेल्स इनवॉइस का, सेल्स रिसीट का टेम्पलेट जो है वो काफ़ी डिटेल में खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। जो इस टेम्पलेट के बारे में जो है डिज़ाइन करने के बारे में मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे कि सेल्स रिसीट या इनवॉइस का टेम्पलेट कैसे डिज़ाइन किया जाता है क्विक बुक के अंदर। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे आपका डेट आ जाएगी कि किस डेट को आप सेल कर रहे हैं, और सेल करने के बाद आप यहाँ पे देखिए सोल्ड टू है। सोल्ड टू क्या है, अब यहाँ पे आपका देखिए कस्टमर कैश है और सोल्ड टू। सोल्ड टू में क्या है कि आप यहाँ पे जिस कस्टमर को सेल करने जा रहे हैं, अगर वो कस्टमर आपको अपनी इंफॉर्मेशन देना चाहता है, आप उससे नाम पूछते हैं, वो अपना नाम अगर आपको बता देता है तो आप उसका नाम यहां पर डाल देंगे, और अगर वो आपको अपना सेल नंबर बताता है तो फिर आप अपना सेल नंबर भी उसको यहां पे ऐड कर लेंगे। तो इस तरह का आपके पास डेटाबेस भी बन जाएगा और आपके पास कस्टमर की जो है नाम, नंबर, और यहाँ पे एक नया कस्टमर भी ऐड नहीं होगा बल्कि एक स्टैंडर्ड जो कैश कस्टमर है उसके अंदर ही फर्दर आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको
यहाँ पे देखें पेमेंट मेथड आ रहा है कि वो आपको कैश दे रहा है, चेक दे रहा है, डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है। मोर ऑप्शंस हैं यहाँ पे देखें, वो गिफ्ट कार्ड है, वट एवर जो भी है। तो अगर वो जाहिर सी बात हम कैश सेल कर रहे हैं तो या कैश सेल में हम तो चेक रिसीव तो नहीं करेंगे, अगर हमारी पॉलिसी है तो हम चेक रिसीव कर लेंगे, नहीं है तो फिर हम कैश कर लेंगे। अगर हम चेक ले रहे हैं तो चेक के बाद यहाँ पे नीचे देखें ये चेक नंबर का ऑप्शन है, तो फिर हम चेक नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे कि किस नंबर का चेक वो हमें दे रहा है, अदरवाइज कैश हो जाएगा। अब यहाँ से हम नीचे आते हैं तो नीचे हमारे पास ये देखें यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो विंडो आ रही है, कॉलम आ रहा है, वो आ रहा है आइटम का। आइटम का क्या मतलब है कि हम कस्टमर को क्या चीज सेल कर रहे हैं, क्या हम उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या हम उसको कोई इन्वेंट्री आइटम सेल कर रहे हैं। आइटम्स के बारे में काफी डिटेल में मैंने इस क्विक बुक का जिस वक्त हम सेटअप कर रहे थे काफी डिटेल में आइटम्स के बारे में, तकरीबन एक घंटे की वीडियो है आइटम लिस्ट के बारे में, इसी चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। तो अगर आपको आइटम्स के बारे में नहीं पता तो आइटम्स को आप क्या करें कि उस वीडियो को पहले देख लीजिए और उस वीडियो को पहले समझ लीजिए, अगर आपने वो समझ लिया तो फिर आप यहाँ पे जो है वो सेल्स रिसीट आप रिकॉर्ड कर सकेंगे। तो आइटम के अंदर मैं जाता हूँ तो आइटम के अंदर यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरे पास तमाम वो आइटम्स नज़र आ जाएंगे जो मैंने अपनी आइटम लिस्ट में ऐड किए हैं। तो सबसे पहले मेरे देखें ये मेरे सर्विसेज हैं कि जो मैं अपने कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये मेरी इन्वेंट्री है जिसको स्टॉक यानी कि कहते हैं वो मैं सेल कर रहा हूँ, ये मेरे फिक्स एसेट्स हैं जो मैंने परचेज किए थे अपने लिए, और इसके बाद फ्रेट चार्जेस हैं, सब टोटल है, ये इन सब के बारे में मैंने ग्रुप्स, डिस्काउंट, पेमेंट, सेल्स टैक्स, आइटम, ये सब चीज़ें मैंने आइटम लिस्ट वाली जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने पढ़ाई हुई थी। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि जो मेरे पास जो हार्ड डिस्क हैं वेस्टर्न डिजिटल 500 GB की, ये मैं अपने कस्टमर को सेल करने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा तो आप देखें वेस्टर्न डिजिटल हार्ड ड्राइव मॉडल नंबर दिस, उसने खुद ही सेलेक्ट कर लिया और ये जिस वक्त मैंने आइटम क्रिएट किया था तो इस वीडियो जो मैंने आपको एक घंटे की वीडियो रेफर कर रहा हूं उस वीडियो के अंदर काफी डिटेल में ये मौजूद है कि मैंने किस तरीके से वेस्टर्न डिजिटल की हार्ड ड्राइव्स मैंने परचेज की थी, इन्वेंट्री मैंने कैसे परचेज की थी। तो ये इन्वेंट्री आ गई, इन्वेंट्री अब ये क्वांटिटी यहां पे आ गई कि मैं कितनी क्वांटिटी इस कस्टमर को, तो इस कस्टमर ने मुझसे दो जो है वो हार्ड डिस्क परचेज की है। उसके बाद यूनिट ऑफ मेजर है, यूनिट ऑफ मेजर मैंने आपको काफी डिटेल में पढ़ाया था कि यूनिट ऑफ मेजर क्या होता है, तो इसके ऊपर यूनिट ऑफ मेजर अवेल जो है वो नहीं होगा क्योंकि क्वांटिटी है हार्ड डिस्क है, एक एक क्वांटिटी में बिकेगा तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। यूनिट ऑफ मेजर तब होता है कि आप अगर लिक्विड है, अगर आप जो है वो उसमें कोई ऐसी चीज़ बेच रहे हैं कि जो आपने खोल के बेचनी है उसका केजीज है, तो देन मिलीलीटर्स में, लीटर्स में बेचते हैं, देन यूनिट ऑफ मेजर्स आपके आ जाएंगे, अदरवाइज क्वांटिटी हो गई। रेट इसका कि किस रेट के ऊपर आप इसको सेल कर रहे हैं, देखिए जी ये आपका रेट है, ठीक है जी, बेसिक जो उसकी सेल प्राइस थी वो हमने ऐड कर दी थी। उसके बाद आपका यहाँ पे जो आ रही अमाउंट आ गई है, देखिए 4500 मल्टीप्लाई बाय 2 9000 जो है वो आपकी अमाउंट हो गई। उसके बाद यहाँ पे देखिए आ रहा है टैक्स। टैक्स का मतलब क्या है कि क्या इस अमाउंट के ऊपर आपने सेल्स टैक्स चार्ज करना है, इफ दिस अमाउंट इज टैक्सेबल देन यू विल सेलेक्ट टैक्सेबल, और अगर नॉन टैक्सेबल है तो फिर नॉन टैक्सेबल। अगर आप टैक्सेबल है तो फिर आप टैक्सेबल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहां पे नीचे आएंगे और नीचे पे देखेंगे टैक्स है 0% आ रहा है। अगर आपने सेल्स टैक्स चार्ज करना है तो सेल्स टैक्स ये देखिए 17% मैंने सेल्स टैक्स ऑलरेडी आइटम क्रिएट किया था सेल्स टैक्स आइटम का, तो इसके ऊपर देखिए उसने सेल्स टैक्स 1530 का चार्ज किया और टोटल इनवाइस 10,530 रुपीस की उसने इनवाइस बना दी है। तो सेल्स टैक्स के बारे में भी, सेल्स टैक्स आइटम के बारे में भी मैंने काफी डिटेल में आइटम लिस्ट के अंदर मैंने पढ़ाया है। अगर आपने अभी तक सेल्स टैक्स आइटम लिस्ट के बारे में नहीं पढ़ा तो जो वीडियो इस चैनल के ऊपर एक घंटे की पड़ी है उसके अंदर काफी डिटेल में ये सारी चीजें मौजूद है। इसके बाद यहाँ पे देखें कस्टमर मैसेज है, अगर आप इस कस्टमर को कोई अपनी तरफ से कोई रिमाइंडर है, कोई मैसेज है, कोई चीज लिख के देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख कर दे सकते हैं। उसके बाद नीचे देखें यहाँ पर मेमो है। मेमो क्या है? मेमो ये चीज है, ये डिस्क्रिप्शन है इस इनवॉइस की, कि अगर आप ये वाली जो डिस्क्रिप्शन है इसको अगर आप कॉपी कर लेंगे यहाँ से और कॉपी करके यहाँ नीचे इस जगह पे पेस्ट कर देंगे तो ये वाला जो मेमो है ये आपके जनरल लेजर यानी कि जो आपका सेल्स का लेजर होगा उसके अंदर अपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो बेशक आप लिखें ना लिखें ये आपकी मर्जी है, लेकिन बेहतर होता है कि आप इस मेमो को यहाँ पे लिख दें। उसके बाद कस्टमर टैक्स कोड, कस्टमर का टैक्स कोड क्या है कि इस कस्टमर को हम जो कैश कस्टमर है ये टैक्स एबल हम इसको करते हैं कि नहीं करते, तो जाहिर सी बात है हमने यहाँ से इसको टैक्स किया तो देखें ऑटोमेटिकली इसने यहाँ से टैक्स कर लिया। नीचे हमारे पास तीन ऑप्शन है, सेव एंड क्लोज, सेव एंड न्यू, या फिर क्लियर करेंगे तो पूरी ट्रांजेक्शन क्लियर हो जाएगी। सेव एंड क्लोज करेंगे इसको डाटा को वो सेव करेगा, सेव करने के बाद वो इसको क्लोज कर देगा, और इसके बाद आपका जो सेव एंड न्यू करेंगे तो फिर सेव एंड न्यू में आपके पास सेव एंड न्यू में वो ऑप्शन सेव एंड न्यू में आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सेव एंड क्लोज करता हूँ इसको। सेव एंड क्लोज, यू हैव चेंज कैश कस्टमर बिलिंग एड्रेस क्लास टैक्स आइटम दिस, यस सेव, इसको कर दें, ठीक है। स्पेल चेक वो कर रहा है, इग्नोर कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, और
ट्रांजैक्शन सेव हो गई है। अब हम कैसे पता चलेगा हमें कि हमने जो है वो सेल्स रिकॉर्ड किए और हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड हो चुकी है ट्रांजैक्शन? तो इसका बेहतरीन तरीका क्या है कि हम रिपोर्ट्स में जाएंगे और रिपोर्ट्स में जाके कंपनी एंड फाइनेंशियल्स में जाएंगे और कंपनी एंड फाइनेंशियल्स में जाके हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस चेक करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में जब आप जाएंगे तो आप सबसे पहले देखें टॉप पे आपको इनकम फ्रॉम सेल्स आ रही है, ये देखें। इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये देखें सेल्स रिसीट है, 1 अक्टूबर को पोस्ट हुई है, रिसीट नंबर 1 है, कैश कस्टमर है, ये देखें वेस्टर्न डिजिटल हार्ड ड्राइव मॉडल नंबर, दिस मैं ये सेल कर रहा हूं, किस रीजन में, नॉर्थ रीजन में सेल हो रही है, पैसा कहां जा रहा है, पैसा अनडिपॉजिटेड फंड में जा रहा है, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि अनडिपॉजिटेड फंड क्या है। और इसके बाद ये देखिए डेबिट है और ये क्रेडिट है और ये टोटल इसका बैलेंस है, यानी कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में 9000 रुपया चला गया है। इसको मैं क्लोज करता हूं, नो कीजिए, फिर नीचे देखिए जो आइटम मैंने सेल किया है तो इसकी जारी सी बात है कॉस्ट थी, तो खुद ब खुद क्विक बुक ने क्या किया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में उसकी परचेज प्राइस जो है वो उसने डाल दिया, यानी कि ये 8000 रुपए की मैंने हार्ड डिस्क खरीदी थी दो और 9000 की मैंने बेच दी, यानी कि मुझे 4000 की एक कॉस्ट कर रही थी तो 4500 की मैंने सेल की, तो 9000 तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट अगर आप नीचे देखें तो 1000 रुपए का आ गया, तो 8000 पे मैं जाता हूं तो ये देखिए उसने 8000 रुपया मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ले लिया। तो प्रॉफिट एंड लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल ठीक हो गई। दूसरी रिपोर्ट क्या है, मैं रिपोर्ट्स में जाता हूं, रिपोर्ट्स में जाके मेरे पास देखिए ये सेल्स रिपोर्ट है, सेल्स में क्या आ रहा है, देखिए सेल्स बाय कस्टमर समरी, सेल्स बाय कस्टमर डिटेल, हर तरह से आ रही है। सबसे पहले मैं सेल्स बाय कस्टमर समरी खोलता हूं तो ये देखिए मुझे बताएगा कि मैंने कैश कस्टमर्स को आज तक कितनी सेल्स की है, यानी कि मैं जितनी भी सेल्स करता जाऊंगा वो समरी इस कैश कस्टमर के अंदर डालता जाएगा। दूसरी मेरी रिपोर्ट है सेल्स बाय कस्टमर डिटेल, ठीक है, डिटेल में जाऊंगा तो ये देखिए कैश कस्टमर का पूरा लेजर मुझे निकाल कर दे देगा कि आज तक मैंने जितनी कैश कस्टमर्स को सेल की होंगी कि ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी। फिर रिपोर्ट्स में जाता हूं, सेल्स में जाता हूं, कैश सेल्स बाय आइटम समरी, आइटम समरी क्या है कि कौन सा आइटम मैंने आज तक कितना सेल किया है, तो ये देखिए हार्ड ड्राइव्स मैंने अभी सिर्फ 2 ही सेल किए हैं तो इसकी पूरी डिटेल आ रही है कि 9000 रुपए का देखिए मैंने ये सेल किया था, 100% जो है वो इसकी सेल प्राइस का मार्जिन है। कॉग्स देखें 8000 की थी, एवरेज उसकी कॉग्स का रेट है 4000 का, तो मैंने जो मार्जिन कमाया है वो 11.1% इस सेल ट्रांजैक्शन के ऊपर मैंने अर्न किया है। तो देखिए ये एक आपकी मार्जिन की रिपोर्ट निकल आई। तीसरी आपके पास देखिए सेल्स की रिपोर्ट है, सेल्स बाय आइटम डिटेल, ये आपका आइटम का जनरल लेजर निकाल के दे देगा कि यानी कि वेस्टर्न डिजिटल की हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन निकालेगा कि आज तक आपने वेस्टर्न डिजिटल कितनी सेल की है, ट्रांजेक्शन डिटेल लेजर। उसके बाद फिर आप सेल्स में जाएंगे और सेल्स में जाके नीचे देखिए सेल्स बाय रेप समरी, रेप समरी क्या है कि अगर आप कि जो सेल्स थी वो सेल्स रेप के थ्रू हो रही है, सेल्स रेप के बारे में मैंने काफी डिटेल में आइटम के अंदर मैंने पढ़ाया हुआ, अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो इस क्विक बुक के चैनल के ऊपर वो मौजूद है। सेल्स रेप के अगर कोई इंक्लूडेड है इस सेल के अंदर तो ये देखिए 9000 की सेल हुई है, लेकिन ये पीछे बता रहा है कि इसमें सेल्स रेप कोई इन्वॉल्व नहीं है, नो सेल्स रेप है, तो यानी कि ये डायरेक्ट शॉप से सेल हुई है, कोई सेल्स रेप नहीं लेकर, अगर सेल्स रेप लेके आता तो मैं सेल्स रेप के साथ इसको लिंक कर देता। फिर मैं रिपोर्ट्स में जाता हूं, मैं सेल्स में जाता हूं और सेल्स में जाके मेरे पास नीचे देखिए आ रहा है आपके पास सेल्स बाय रेप डिटेल, सेल्स बाय शिप टू एड्रेस, सेल्स ग्राफ। सेल्स ग्राफ आपको क्या दिखा रहा है, सेल्स ग्राफ आपको बता रहा है कि आपने जो है वो किस मंथ में कितनी सेल्स की है और कौन सा आइटम सेल किया, तो ये देखिए अक्टूबर में मेरा ये सेल्स ग्राफ आ रहा है, पीछे से पीछे मेरी कोई सेल नहीं है, और ये नीचे मुझे बता रहा है कि हार्ड ड्राइव सेल्स हुई है, अगर जो जो आइटम्स इसमें यहाँ पे सेल होते जाएंगे वो मुझे यहाँ पर बताता जाएगा। तो जो जो सेल्स की इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन आप जैसे जैसे डालते जाएंगे तो आपका ये सेल्स ग्राफ आपका तब्दील होता रहेगा। तो सेल्स ग्राफ आ गया, उसके बाद नीचे देखिए सेल्स की रिपोर्ट के अंदर नीचे क्या है आपके पास ओपन सेल्स ऑर्डर, इसके बाद में इसको बाद में हम देखेंगे सेल्स ऑर्डर को और सेल्स ऑर्डर बाय आइटम इसको भी हम बाद में देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम वापस आते हैं तो देखिए सबसे पहले मेरे पास आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस स्टैंडर्ड जो मैंने ये निकाल लिया था, ये देखिए। दूसरा मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस में क्या ऑप्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल है, इस पर मैं क्लिक करता हूं तो देखिए ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर निकाल देगा ट्रांजेक्शन, तो देखिए मुझे यहां पे बता रहा है कि ये हुई है, ये मेरी मटेरियल कॉस्ट थी और ये मेरे नीचे मार्केटिंग एक्सपेंसेस हुए हैं टोटल, तो ये मेरा सिस्टम आगे आ गया। रिपोर्ट्स में जाता हूं, कंपनी एंड फाइनेंशियल में जाता हूं, डिटेल आ गया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का ईयर टू डेट कंपैरिजन है, यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से इस फाइनेंशियल ईयर का अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो वो देखिए दो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर का कंपैरिजन दिखाता है, तो क्योंकि मेरे पिछले फाइनेंशियल ईयर में कोई डेटा है ही नहीं तो इसलिए कंपैरिजन किसी तरीके से बनता भी नहीं है। फिर इसी तरह मैं प्रॉफिट एंड लॉस में जाता हूं तो फिर ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस प्रीवियस ईयर कंपैरिजन, तो देखिए प्रीवियस ईयर के साथ मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है, जुलाई 1 से लेकर 2019 का 2020 के साथ कंपैरिजन नहीं है क्योंकि जीरो है बिल्कुल। फिर मैं रिपोर्ट में जाता हूं, रिपोर्ट में जाके मैं कंपनी एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस में ये देखें प्रॉफिट एंड लॉस बाय जॉब, जॉब का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं जॉब कॉस्टिंग पे काम कर रहा हूं, मेरे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और हर प्रोजेक्ट को मैं अलहदा अलहदा जो है वो एक्सपेंसिस हिट कर रहा हूं तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस बाय जॉब आ जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप ये देख सकते हैं कि मेरा कोई अभी प्रोजेक्ट कॉस्टिंग नहीं चल रही, तो सिर्फ कैश कस्टमर अभी एक ही था, अगर मेरी
जो है प्रोजेक्ट वाइज मैंने सेल रिकॉर्ड करनी होती तो ये सारा अलग अलग कॉलम्स बन जाते, तो उसको भी हम आगे जाके डिटेल में जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होती जाएंगी तो हम इस रिपोर्ट को मजीद एनहांस करते जाएंगे। फिर रिपोर्ट में जाते हैं कंपनी एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस में देखें बाय जॉब हो गया और फिर हो गया बाय क्लास। अभी देखिए क्लास का बड़े मजे की चीज है कि अभी तक हमने जो क्लास के में पोस्ट की थी ट्रांजेक्शन, देखें नॉर्थ रीजन के जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसमें हमने ये देखे मार्केटिंग एक्सपेंसेस किए हुए, टोटल जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का इसको अगर मैं माइनस करूंगा तो नॉर्थ रीजन के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ये देखे 50,000 के, इसी तरह टोटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस 50,000 के, और सेल्स डिपार्टमेंट ने देखे इन्होंने 9,000 की सेल्स की है, 8,000 का इनका जो है वो आपका जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी 1,000 है, तो टोटल आपका 1,000 का जीपी है। और अगर हम कंसोलिडेटेड देखेंगे तो कंसोलिडेटेड सब कुछ मिला के 9,000 के अभी तक हमने सेल किए, एक्सपेंसेस हम जो है वो ज्यादा कर चुके हैं, तो इसलिए हमारा जो जीपी है नेट प्रॉफिट है जो हमारा 49,000 जो है वो हमारा लॉस में जा रहा है। तो कैश सेल हमारी रिकॉर्ड हो गई। अब जो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर आपने थोड़ा सा गौर किया हो कि मैंने जब कैश सेल रिकॉर्ड की है, सारी विंडोज को मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ, दोबारा मैं वापस कस्टमर में और इंटर सेल्स रिसीट में आ रहा हूँ और प्रीवियस जाके ट्रांजैक्शन चेक करता हूँ, तो क्या आपने गौर किया कि ये जो 9,000 जो था ये सेल थी और टोटल आपने जो 10,530 रुपीस जो कस्टमर से रिसीव किए, ये पैसा गया कहाँ कह रहा है? ये पैसा आपके पास, यानी कि जो आपने कस्टमर से पेमेंट ली, आपको सॉफ्टवेयर ने कहीं नहीं बताया कि ये आपके पास कैश में पैसा है, बैंक में आया है, ये कहां पर आया है? तो इस चीज को चेक करने के लिए हमें जाना पड़ेगा बैलेंस शीट के अंदर। तो हम क्या करते हैं, मैं रिपोर्ट्स में जाता हूं, रिपोर्ट्स में जाके कंपनी एंड फाइनेंशियल, और कंपनी एंड फाइनेंशियल के अंदर बैलेंस शीट स्टैंडर्ड, बैलेंस शीट स्टैंडर्ड में जाता हूं, तो देखिए टेक्निकली जो पैसे हैं या तो कैश में आने चाहिए थे या बैंक में आने चाहिए थे। फिर इसके बाद नीचे देखिए मेरे करंट एसेट में स्टॉक इन हैंड है, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नीचे आके देखें तो ये देखिए क्या आ रहा है, अनडिपॉजिटेड फंड्स 10,530 रुपीस। यानी कि क्विक बुक ने क्या किया कि क्विक बुक को ये नहीं पता था कि आपने जो ये फंड्स रिसीव किए हैं वो आपने पेटी कैश अकाउंट यानी कि कैश एंड बैंक बैलेंस में रखने हैं या पेटी कैश बैलेंस में रखनी है या आपने इसको बैंक में डिपॉजिट करवा देना है। तो ये दो चीजें हैं, तो इसलिए क्विक बुक को क्योंकि नहीं पता था तो क्विक बुक ने सोचा कि इसको अनडिपॉजिटेड फंड में उठा के डाल दिया। अब इसके यहाँ पे देखिए दो तरीके हैं, एक तरीका कार तो ये है कि हम क्विक बुक्स के अंदर जाके ऐसी सेटिंग कर लें कि हमें ये फंड्स अनडिपॉजिटेड फंड में नजर ना आए, बल्कि डायरेक्ट हमारे पास ये ऑप्शन हो सेल्स रसीड रिकॉर्ड करते हुए कि हम इसको कैश में रखना चाहते हैं या डायरेक्ट इसको बैंक में लेके जाना चाहते हैं पैसे को। दूसरा ऑप्शन ये है कि इसको अनडिपॉजिटेड फंड में ही रखे रहने दिया जाए और बाद में इसको हम अनडिपॉजिटेड फंड से उठाएं और उठा के हम इसको जहां भी हमारा दिल करे हम उसको उठा के ट्रांसफर कर लें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम अनडिपॉजिटेड फंड से फंड को उठाते हैं और इसको हम डिपॉजिट करवा देते हैं कहां पे, किसी बैंक के अंदर या कैश अकाउंट के अंदर। तो उसका तरीका कार क्या होगा, उसका तरीका कार ये होगा कि हम बैंकिंग मेन्यू में जाएंगे और बैंकिंग मेन्यू में जाके हम करेंगे मेक डिपॉजिट्स। मेक डिपॉजिट्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको देखें स्क्रीन के ऊपर पॉपअप नजर आ गया कि 10,530 रुपीस के अनडिपॉजिटेड फंड्स पड़े हैं कि जिनको आप बताएं कि इन फंड्स का क्या करना है। तो मैं इनको क्लिक करता हूं, टिक कर लेता हूं, ओके करता हूं, तो वो देखिए पूरी जैसे बैंक की डिपॉजिट स्लिप होती है उसने डिपॉजिट स्लिप बना दी। टॉप पे उसने मुझे हाईलाइट कर दिया डिपॉजिट टू कि ये पैसा मुझे कहां लेकर जाना है। अब इसको चाहे मैं अपनी कैश में ले आऊं चाहे मैं इसको किसी भी बैंक में डिपॉजिट करवा दूं, ये मेरे पास ऑप्शन है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको पेटी कैश में ले आता हूं और पेटी कैश में ला के मैं इसको सिंपली सेव एंड क्लोज करता हूं, तो मेरे पास अनडिपॉजिटेड फंड से वो देखिए गायब हो गया। और अगर मैं पेटी कैश का लेजर बैलेंस शीट में ओपन करता हूं तो सबसे एंड पे जाके ये देखिए डिपॉजिट हुआ है कैश के अंदर आके 10,530 रुपीस का। अब हमने जो ये ट्रांजैक्शन किया है इसको हमने दो स्टेप्स के अंदर किया है कि सबसे पहले हमने सेल्स रिसीट रिकॉर्ड की थी, सेल्स रिसीट के अंदर जाके हमने सेल्स जो है वो हमने सेल की थी वेस्टर्न डिजिटल की। स्टेप टू के अंदर हमने क्या किया था कि मेक डिपॉजिट के थ्रू हमने फंड्स ट्रांसफर किए थे कैश के अंदर। अब इन दो स्टेप्स को हम जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिंगल स्टेप के अंदर कि हम डायरेक्ट डिपॉजिट करवा सकते हैं कैश या बैंक के अंदर। कि हमारे पास ऑप्शन है कि चाहे हम इसको सेल्स के वक्त ही कैश में बैलेंस लेना चाहें या बैंक में, तो हमारे पास ऑप्शन है। तो इसका तरीका कार क्या है कि हम प्रेफरेंसेस को चेंज करेंगे, एडिट मेन्यू में प्रेफरेंसेस को चेंज करेंगे, तो प्रेफरेंसेस की विंडो आपके सामने। प्रेफरेंसेस के बारे में हमने काफी डिटेल में पढ़ा था जिस वक्त हम क्विक बुक का सेटअप कर रहे थे। माई प्रेफरेंसेस और कंपनी प्रेफरेंसेस, लेफ्ट साइड पे जो है प्रेफरेंसेस की डिफरेंट लिस्ट थी जिसको हम सिलेक्ट करके हम प्रेफरेंसेस चेंज किया करते थे। अब देखिए पेमेंट्स को हम सिलेक्ट करेंगे पेमेंट वाले प्रेफरेंसेस को, और राइट साइड पे देखें कंपनी प्रेफरेंसेस है। कंपनी प्रेफरेंसेस में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास तीन डिफरेंट ऑप्शंस हैं। एक हमारे पास देखें यहाँ पे रिसीव पेमेंट्स के अंदर ऑटोमेटिकली अप्लाई पेमेंट, इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड जो प्रेफरेंसेज है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट पेमेंट्स है, और सबसे आखिर में अगर आप देखें तो आपके पास आ रहा है यूज अनडिपॉजिटेड फंड्स एज अ डिफॉल्ट डिपॉजिट टू अकाउंट।
اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو ان ڈیپوزٹڈ فنڈ کے اندر جو فنڈ وہ لے کر جا رہا ہے وہ اگر آپ اس کو ان چیک کر دیں گے تو آئندہ وہ نہیں لے کر جائے گا. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے ان چیک کر دیا, اوکے کر دیا, اب دوبارہ سے ہم سیلز ریسیٹ ہم پوسٹ کرنے جاتے ہیں. تو اس کے لیے میں کسٹمر مینیو میں دوبارہ جاؤں گا اور کسٹمر مینیو میں دوبارہ جا کے میں نئی سیلز ریسیٹ ریکارڈ کرتا ہوں. سیلز ریسیٹ کے اندر جا کے میں نے کیش کسٹمر سلیکٹ کیا, کیش کسٹمر کے بعد میں نے سیلز جو ہے ڈپارٹمنٹ میں نے سلیکٹ کیا. اب آپ ذرا غور کریں کہ سب سے پہلے کلاس ہے اور کلاس کے بعد پہلے ٹیمپلیٹ آ رہا تھا, لیکن اب ٹیمپلیٹ کے درمیان میں آپ کو ڈپوزٹ 2 کا بھی ایک آپشن نظر آ رہا ہے, یعنی کہ اب میں یہاں سے سلیکٹ کر سکتا ہوں کہ مجھے ڈپوزٹ کیش کہاں کرنی ہے. یہاں سے میں نے آپشن سلیکٹ کر لیا, انوائس نمبر میری ایڈ ہو گئی, نیا کسٹمر ہے تو میں یہاں پہ اس کو کسٹمر کو نیا کسٹمر کا نام لکھ لوں گا, اس کا یہاں پہ کانٹیکٹ نمبر لکھ لوں گا, اور اس کے بعد یہاں سے سیلز ریسیٹ یعنی کہ پیمنٹ میتھڈ, ہارڈ ڈرائیوز میں وہی والی اس کو سیل کر رہا ہوں. کوانٹٹی اس دفعہ میں نے 5 سیل کی ہیں, 22,500 ہے, اور اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ اس کو ٹرانزیکشن کو میں سیو کرنے جا رہا ہوں, تو میری ٹرانزیکشن سیو ہو گئی ہے. اب میں ذرا جا کے رپورٹس میں دیکھتا ہوں. رپورٹس میں اگر آپ دیکھیں پروفٹ اینڈ لاس, پروفٹ اینڈ لاس کے اندر اگر آپ جا کے دیکھیں تو پہلے 9,000 کی سیل اور اس کے بعد 22,500 کی سیل, جی پی میرا 3,500, اس کے بعد پروفٹ اینڈ لاس ڈیٹیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں, سیلز رپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں, ڈفرنٹ طرح کی سیلز رپورٹ ہیں. آئٹم سمری میں دیکھیں 7 میں نے ہارڈ ڈسک ابھی تک سیل کر لی ہیں. اسی طرح اگر میں آئٹم ڈیٹیل میں جاتا ہوں تو دیکھیں 2 میں نے پہلے سیل کی تھی, 5 میں نے اب سیل کر لی ہیں. اسی طرح رپورٹس میں جا کے میں اگر بیلنس شیٹ دیکھتا ہوں, اب اگر ہم واپس بیلنس شیٹ میں آ کے دیکھتے ہیں تو بیلنس شیٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کہیں پہ بھی ان ڈیپوزٹڈ فنڈ نظر نہیں آئے گا, بلکہ اگر ہم ڈائریکٹ کیش بیلنس اپنا دیکھیں گے تو کیش بیلنس کے اندر یہاں پہ نیچے دیکھیں آپ کو یہ سیل رسیٹ سیکنڈ نمبر نظر آ رہی ہے اور اس میں ہم نے 26,325 روپیز کا کیش ڈپوزٹ کروا لیا ہے. یعنی کہ ہم جو پہلا دو کام جو ہے وہ دو اسٹیپس میں کر رہے تھے کہ پہلے ہم سیل رسیٹ ریکارڈ کر رہے تھے, بعد بھی ہم کیش ڈپوزٹ کر رہے تھے, یہ کام اب ہم نے سنگل اسٹیپ کے اندر کر لیا اور سیل رسیٹ ریکارڈ کرتے وقت ہی ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے کیش جو ہے وہ کہاں پر ڈپوزٹ کروانی ہے. تو اس طرح ہم نے جو ہے وہ اپنی سیل رسیٹ ہم نے ریکارڈ کر لی اور ڈائریکٹ ہم نے سیلس کے اندر بیلنس لے آئے. تو اس طرح ہم نے اب کیش سیل کی جو ریکارڈنگ ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کر لی کہ اگر ہم کسٹمر کو کیش سیل کر رہے ہیں تو انٹر سیلز رسیٹ کے تھرو ہم یہ کام کس طریقے سے کر سکتے ہیں. تو اب یہ چیز ہو گئی ہماری کیش. اگر ہم انوینٹری سیل کر رہے ہیں, انوینٹری سیلز کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسٹمر میں ہم جاتے ہیں, کسٹمر میں ہم جاتے ہیں اور کسٹمر میں جا کے ہم انٹر سیلز رسیٹ کے تھرو جا کے ہم یہ چیز ہم ریکارڈ کر رہے ہیں. تو اسی طرح اگر آئٹمس جو ہیں وہ میں نے سیل کیا تھا, انوینٹری سیل کی تھی, اگر میں کسی کو سروسز پرووائڈ کر رہا ہوں اور سروسز پرووائڈ کر کے میں کیش سیل کر رہا ہوں تو پھر اس کیس میں کیا ہوگا کہ لسٹ میں آئٹم لسٹ میں جا کے اگر آپ دیکھیں تو آئٹم لسٹ میں یہاں پہ میری انوینٹری پارٹ تھا اور یہاں پہ میرے سروسز آئٹم ہے. فار ایگزامپل کہ اگر میں نے کسی کو کنسلٹنسی سروسز پرووائڈ کی ہیں اور اس کے بدلے میں میں جو ہے وہ اس سے انکم ارن کر رہا ہوں تو میرے پاس کیا آپشنز اویلیبل ہیں. دو آپشنز ہیں, دو طریقے سے ہم ریکارڈ کر سکتے ہیں کیش سیل کو اگر ہم سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں جس میں انوینٹری انوالو نہیں ہے. پہلا طریقہ کار تو یہ کہ کسٹمر میں ہم جائیں, کسٹمر میں جا کے انٹر سیلز ریسیٹ کریں, کسٹمر کا نام لکھیں کہ کس کسٹمر کو ہم نے سروسز دی ہیں. لیٹس سے کہ اے بی سی کسٹمر جو کنسٹرکشن ہے ہم نے اس کو سروسز دی ہیں, سیلز میں نے نارتھ ریجن کے اندر میں نے سروسز پرووائڈ کی ہیں, کیش جو مجھے ریسیو ہو رہی ہے اس کو میں نے وہاں سے ایچ بی ایل اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کروا دیا تھا. یہاں پہ دیکھیں میرا آئٹم ہے, آئٹم کے اندر میں جا کے کیا کر رہا ہوں, میں کنسلٹنسی سروسز پرووائڈ کر رہا ہوں. کنسلٹنسی سروسز میں میں نے کیا کیا, کوالٹی کنٹرول رول ٹیسٹنگ کی ہے. میں نے کیا کیا ہے, میں نے یہاں پہ 5 کلومیٹر میں نے اس کی ٹیسٹنگ کی ہے, 1500 روپے میرا ریٹ تھا, ٹوٹل میں نے 7,500 روپے کی جس کو انوائس کی ہے. ٹیکسیبل ہوگا تو ٹیکس ہو جائے گا, نان ٹیکسیبل ہے تو نان ٹیکسیبل ہو جائے گی انوائس. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ طریقہ کار اسی طریقے سے کہ مجھے کیش ریسیو ہو گئی ہے تو سیل ریسیٹ میں نے ریکارڈ کر دی. تو اب کی بار دیکھیں میں آئٹم کچھ سیل نہیں کر رہا بلکہ سروسز سیل کر رہا ہوں, تو سیو اینڈ کلوز کرتا ہوں. تو اب میں کیا کرتا ہوں, میں اپنی اس میں بیلنس شیٹ میں اگر آتا ہوں تو دیکھیں بیلنس شیٹ میں میں نے بینک میں پیسے ڈپازٹ کروائے ہیں. تو بینک کے اندر آپ کو باٹم میں یہ دیکھیں نیچے سیل ریسیٹ نظر آ رہی ہے 7,500 روپے کی جو میں نے یہاں پر کیش اینڈ میں ڈائریکٹ میں نے کیش میں ریسیو کر لیا بینک کے اندر پیسے. دوسرا میں نے کیا کیا, رپورٹس میں گیا میں, کمپنی اینڈ فائنینشیل پروفٹ اینڈ لاس میں گیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ پہلے میں یہاں پہ جو ہے وہ سیلز کر رہا تھا 31,500 روپے کی, اب میں نے سروسز کی ہیں تو 7,500 کی دیکھیں سروسز بھی آ رہی ہے, انکم فرام سروسز. یہ سب چیزیں میں نے کس طرح سیٹ اپ کی تھی, چارٹ آف اکاؤنٹ میں نے سیٹ کیسے کیا تھا, میں نے آئٹم لسٹ کیسے سیٹ کی تھی, یہ میں نے کافی ڈیٹیل میں جس وقت کوئک بکس کی سیٹ اپ کی انیشیل جو ویڈیوز ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو ہم نے اس میں ڈیٹیل میں بتایا کہ کس طرح ہم نے لنک کرنی ہے چیزیں, کہ اگر ہم کوئی سیل انوائس پوسٹ کر رہے ہیں, سیٹ پوسٹ کرے تو وہ کیسے آپ کے چارٹ آف اکاؤنٹ کے ساتھ پروفٹ اینڈ لاس کے ساتھ لنک ہو رہی ہے. تو سروسز کیونکہ اس کے اندر انوینٹری انوالو نہیں ہوتی ہے تو سروسز کو آپ دوسرے طریقے سے بھی آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ کمپنی مینیو میں جائیں اور کمپنی مینیو میں جا کے جنرل انٹری کے تھرو بھی آپ اپنی انکم ریکارڈ کر سکتے ہیں. جنرل انٹری میں کیا ہے کہ سیلز دیکھیں, جنرل انٹری 003 نمبر دیکھیں, ڈیبٹ کیا کر رہے ہیں, ڈیبٹ آپ کر رہے ہیں کیش اکاؤنٹ,
मैंने 5,000 रुपीज जो है वो डेबिट किया, मेमो में मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर एग्जाम्पल के कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गई है मेरी। कंसल्टेंसी सर्विसेज के अंदर देखिए मैंने यहाँ पे कस्टमर जो है ना किसको मैंने कंसल्टेंसी, लेट्स से कि मैंने काशिफ अब्बास मिस्टर इनको सर्विसेज दी, रीजन मेरा सेल्स डिपार्टमेंट मेरा नॉर्थ रीजन के अंदर मैंने दे दी। सेल मैंने क्या किया, मैं अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में जा रहा हूँ, ये देखे चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर से आके मैंने इनकम फ्रॉम सर्विसेज कंसल्टेंसी सर्विसेज नेम वही रहेगा काशिफ अब्बास, ठीक है। सेल्स यहाँ पे देखें नॉर्थ रीजन साउथ रीजन नॉर्थ रीजन सेलेक्ट हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कि डेबिट मैंने किया पेटी कैश अकाउंट, क्रेडिट मैंने किया इनकम अकाउंट, और ये चीजें करके मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। तो अगर मैं इस तरीके से भी सेव एंड क्लोज करता हूँ तो आप ये देखिएगा, देखें मेरी सर्विसेज के अंदर 12,500 मजीद सर्विसेज देखें मेरी एड हो गई। इस दफा मैंने जर्नल एंट्री के थ्रू मैंने रिकॉर्ड की थी, पहले मैंने सेल्स रिसीट के थ्रू रिकॉर्ड की थी। तो इस तरह जो है वो मेरी सेल्स भी रिकॉर्ड हो गई, मेरी सर्विसेज भी रिकॉर्ड हो गई, और दोनों तरीकों से मैंने अपनी क्विक बुक के अंदर कैश सेल रिकॉर्ड कर ली और डायरेक्ट जो मेरा पैसा कैश अकाउंट में या आ गया या मेरा बैंक अकाउंट के अंदर पैसा आ गया। तो इस तरीके से आप जो है वो अपना कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट करेंगे कि पहले बैंक के अंदर कैश या बैंक के अंदर पैसा आ रहा है, उससे आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं, इन्वेंटरी परचेस कर रहे हैं, और बाद में उस इन्वेंटरी को सेल करके आप वापस पैसा लेकर आ रहे हैं बैंक के अंदर, और अकाउंटिंग साइकिल इस तरह आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो डिटेल्ड इस चीज को समझने के लिए आपको पहले इनिशियल क्विक बुक का सेटअप समझना जरूरी है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बारे में समझना जरूरी है, आइटम लिस्ट के बारे में समझना जरूरी है, तब जाके आप कैश सेल या इंटर सेल्स रसीट के मॉड्यूल को सही तरीके से समझ सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, जा रहे खुश रहे मुस्कुराते रहे, अपना ख्याल रखिएगा।